हरे भरे और सरसब्ज चमनजारों और चरागाहों में मुख्तलिफ किस्म के हैवानात बहुत ही मुफाहमत और प्यार व मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन एक जालिम शेर ने इस पुरसकून चमनजार को अपने कब्जे में ले लिया। अब क्या था, हैवानों की जिंदगी जहन्नम बन गई। उनकी जिंदगियां खौफ व हरास में गुजर रही थीं। शेर हर रोज उनमें से एक जानवर को खा जाता। एक रात सारे हैवान एक जगह जमा हुए ताकि कोई राह हल तलाश कर सके और उनकी जिंदगी में चैन और सुकून दोबारा लौट सके। सभी जानवर काफी देर तक किसी राह हल तक पहुंचने के लिए आपस में सलाह मशवरा करते रहे और आखिर में एक बूढ़े खरगोश ने अपनी बात शुरू की। उसने कहा, हम लोग चैन और सुकून की जिंदगी गुजार सकें इसके लिए ऐसा काम करें कि शेर हम लोगों से राजी रहे। आओ हम लोग उससे एक मामला करते हैं और वो यह है कि वो हम लोगों का पीछा करना छोड़ दे और इसके बदले में हम लोगों में से कोई एक हर रोज खुद से उसके पास चला जाए ताकि वो अपना पेट भर सके। इस तरह हम खुद जंगल के बादशाह के शिकार का इंतखाब करेंगे, वो शेर के पास चला जाएगा। सभी जानवरों ने उस बूढ़े खरगोश की तजवीज मान ली और उनमें जो ज्यादा समझदार थे वो मुजाकरात के लिए शेर के पास उसकी कछार में पहुंच गए और उससे कहा, ऐ बादशाह, हम लोगों ने यह फैसला किया है कि हम में से कोई एक हर रोज खुद आपके पास आ जाएगा ताकि आला हजरत को हमारा शिकार करने में सहमत न हो। शेर ने कहा, ठीक है, मुझे तुम लोगों की बात मंजूर है, मगर इससे तुम लोगों को क्या फायदा होगा? जानवरों ने जवाब दिया, आप जैसे अजीम सुल्तान की खुशनूदी ही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। इसके अलावा आप दूसरे जानवरों को छूट दे देंगे कि वो आजादाना अपने कामकाज में मशगूल रहें। शेर को उन जानवरों की बातों पर जानवर हर रोज खुद से वक्त पर मेरे पास आ जाएगा तो मैं भी अपने वादे का पक्का रहूंगा, वरना तुम लोगों को ऐसा मजा चकाऊंगा कि जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। उसके बाद से हर रोज सभी जानवर एक जगह जमा होते और ये तय करते कि आज शेर का शिकार कौन बनेगा। मरहला बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन जानवर बेचारे मरते क्या ना करते। उन्होंने ये बात तो खुद ही किसी दबाव में आए बगैर कबूल की थी। हर रोज एक जानवर शेर के कछार में जाता और शेर उसको अपना निवाला बनाता। एक दिन एक जवान खरगोश की बारी आई जो बहुत ही चालाक और साथ ही दिलेर भी था। उसने शेर का शिकार बनने से इनकार कर दिया। ये सुनना था कि सभी जानवर उसकी सरजनिश करने लगे और कहने लगे, अगर तुम नहीं गए तो तुम नहीं जानते कौन सी बला हम लोगों के सरों पर आ जाएगी। अगर शेर को अपने शिकार के लिए इंतजार करना पड़ा तो वो बरहम हो जाएगा और अपने सारे अहदोपैमान तोड़कर हम पर टूट पड़ेगा। लेकिन खरगोश अपने को कुर्बान करने पर तैयार नहीं था। वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था कि गोया शेर को नीस्तो नाबूद कर देगा। जवान खरगोश की बातें सुनकर सारे जानवर कहकह मारकर हंसने लगे और कहने लगे, क्या बक रहे हो, बड़े बड़े जानवर और हाथी तक तो इस शेर से डरते हैं और अपना रास्ता बदल देते हैं और तुम उसका मुकाबला करने की बात करते हो। लेकिन खरगोश ने इसरार करते हुए कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, फिर तुम लोग देखना कि किस तरह इस जुल्म से तुम सबको आजाद कराता हूं। जानवरों ने पूछा, वो किस तरह से? लेकिन जवान खरगोश ने अपना मंसूबा किसी को नहीं बताया। दूसरी तरफ शेर गुस्से और भूख से दीवाना हुआ जा रहा था। ऐसा पहली बार था जब उसका शिकार वक्त पर नहीं पहुंचा था। वो अब समझ गया था कि जानवरों ने अपना वादा तोड़ दिया है। शेर ने फैसला कर लिया कि अब जानवरों को सबक सिखाएगा। लेकिन खरगोश किसी जल्दबाजी का मुजाहरा किए बगैर बहुत ही इत्मीनान के साथ शेर के कछार के करीब पहुंचा। जैसे ही शेर ने खरगोश को देखा, गुस्से में बोला,
मैं बड़े बड़े जानवरों और हाथियों को फाड़ कर खा चुका हूँ। तुम तो एक मामूली से खरगोश हो, तुमने कैसे हिम्मत की कि मेरे हुक्म की सरताबी करो और मुझे इंतजार में रखो। खरगोश ने कहा, आली जाह, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं ताखिर से आने का सबब आपको बता सकूं। हुआ ये कि चूंकि मैं आपके लिए मामूली सा जानवर था और मुझे खाकर शायद आपका पेट न भरता, इसलिए जानवरों ने मेरे साथ एक और खरगोश को आपके पास भेजा, मगर रास्ते में एक और शेर हम लोगों का शिकार करने के लिए हम पर झपट पड़ा। मैं तो फरार करने में कामयाब हो गया, लेकिन मेरा दोस्त जो मुझसे भी मोटा और तंदुरुस्त था, वो उसके पंजे में आ गया और शेर ने उसको अपना निवाला बना डाला। शेर को ये माजरा सुनकर बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ। उसने कहा कि ये किस शेर की हिम्मत हुई जिसने मेरे काम में मुदाखलत की, कहाँ है वो, मुझे उसका पता बताओ। खरगोश शेर को लेकर एक कुएं के दाहने पर पहुंचा और वहीं ठहर गया और आगे जाने से मना कर दिया। सरकार, मुझे डर लग रहा है, जिस शेर के बारे में आपसे कहा था वो इसी कुएं में रहता है। शेर ने कहा, आगे बढ़ो, अच्छी तरह देखो, यहीं पर है। खरगोश ने कहा, मुझे अकेले खौफ महसूस हो रहा है, देखिए मेरा चेहरा मारे खौफ के पीला पड़ गया है। शेर ने कहा, ठीक है, आओ साथ में चलो। शेर ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और कुएं में झांक कर देखा। उसने पानी के अंदर अपना और खरगोश का अक्स देखा। वो समझा कि उसका हरीफ उसके शिकार को फाड़ कर खाने जा रहा है। फौरन खरगोश को जमीन पर उतारा और अपने हरीफ पर हमला करने के लिए कुएं में कूद पड़ा। यह है उन लोगों का अंजाम जो दुश्मनों की बातों में आते हैं। शेर उस कुएं में गिर गया और मर गया।